नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एमपी करंट अफेयर्स को देख रहे हैं नवंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक का करंट अफेयर्स देख रहे हैं एमपी के परिप्रेक्ष्य में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे वन वन्य जीव एवं पर्यावरण से संबंधित जो अपडेट हुए हैं 2018-19 में, उन्हें देख चुके थे। ठीक है, अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। इससे पहले आपको बता दें कि हम प्ले लिस्ट में एमपी करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के नाम से एक सूची बनी हुई है, उसी में सभी ये लेक्चर मिल जाएंगे आप लोगों को देखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। राज्य में 2015-16 में 154.22 लाख हेक्टर पर वर्ष में एक फसल तथा 86.25 लाख हेक्टर पर वर्ष में दो फसलें उगाई गई हैं। इस प्रकार वर्ष 2014-15 से में कुल बुआई का वाला क्षेत्र 24,047 लाख हेक्टर है। ठीक, याद रखिए। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में चालू मूल्य का 29.808%, स्थिर मूल्य का मूल पर 20.2% थी। राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2017-18 के अंतर्गत फसल क्षेत्र का योगदान 25.86% है। कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि उपयोग भूमि उपयोग प्रतिरूप 2015-16 में एक फसली क्षेत्रफल था 154.22 लाख हेक्टर, द्वि फसली क्षेत्रफल 86.25 लाख हेक्टर, कुल बुआई क्षेत्रफल 24 था अपना 240.47 लाख हेक्टर, कास्त उपयोगी प्रति थी प्रतिभूमि 10.16 लाख हेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं जिला घरेलू उत्पाद के बारे में। जिला घरेलू उत्पाद का विश्लेषण राज्य के 45 जिलों में सांख्यिकी एवं तथा आर्थिक निर्देशालय मध्य प्रदेश के द्वारा निर्धारित DDP मानकों के आधार पर किया गया। जिला घरेलू उत्पाद की प्रामाणिकता मापने के लिए दो मुख्य पैमाने का उपयोग किया गया है। राज्य में जिला घरेलू उत्पाद में प्रत्येक जिले की सहभागिता, कृषि का DDP में योगदान। DDP में सम्मिलित 45 जिलों में से 5 जिले ऐसे हैं जिनकी राज्य की कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में सहभागिता 3% से अधिक है। ठीक, आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र के DDP में जिलों की सहभागिता। छिंदवाड़ा सबसे ऊपर 4.8% का योगदान, जबलपुर में 4.6%, धार में 3.8%, गुना का 3.7%, उज्जैन का 3.5% है। ठीक, कृषि श्रमिक की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि पर निर्भरता में परिवर्तन 2011 के आंकड़े देखते हैं। 2012 के कुल श्रमिकों की संख्या ये थी 2,57,93,519, जो वर्ष 2011 में 3,15,74,133 हो गई। कृषक मुख्य या सीमांत प्रतिशत में तो 42.8%, वो वर्ष 2011 में 31.2%। कृषि श्रमिकों की बात करें तो ये 28.7%, 2011 में 38.6%। कृषि पर निर्भरता 71.5% थी 2001 में, 2011 में हो गई 69.8%। कृषि पर निर्भरता ग्रामीण क्षेत्र में तो 85.5% थी 2001 में, 2011 में 85.6% हो गई। अब बात करते हैं भू जोत की। भू जोत वर्ष 2000
2010-11 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि भूमि जोतों का औसत आकार 1.78 हेक्टर है, जबकि संपूर्ण देश में भू जोतों का औसत आकार 1.16 हेक्टर है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है 1.78 हेक्टर और संपूर्ण देश में 1.16 हेक्टर। सीमांत कृषकों की बात करें तो इनका क्षेत्रफल एक हेक्टर से कम 41% है, छोटे 1 से 2 हेक्टर 27% है, उप मध्यम 2 से 4 19% है, मध्यम 4 से 10 9% है और बड़े 10 से अधिक 1% है। ठीक है, मुख्य फसलों की बात करें तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों आदि फसलों का प्रमुखता से उत्पादन होता है एमपी में। ठीक, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं तो ये अनाज में बात करें तो गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। दलहन की बात करें तो चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर। तिलहन की बात करें तो सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी। विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 2014-15 में तो अनाज के अंतर्गत 41%, तिलहन के अंतर्गत 29%, दलहन के अंतर्गत 21%, उद्यानिकी के अंतर्गत 6% क्षेत्रफल और वाणिज्यिक के 3% क्षेत्रफल था। तो सबसे ज़्यादा अनाज के तहत। प्रमुख फसलों की बात करें तो राज्य में प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का आदि को सम्मिलित किया गया है। फसल क्षेत्र खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल 2016-17 के 17,543 हेक्टेयर से घटकर 2017-18 में 17,526 हेक्टर हो गया। यह विगत वर्षों की तुलना में 0.10% की कमी है। उत्पादन की खाद्य फसलों का उत्पादन वर्ष 16-17 में 44,470 मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2017-18 में 43,634 मैट्रिक टन हो गया है, जिससे उत्पादन में विगत वर्षों की तुलना में 1.88% की कमी हुई है। फलों की बात करें देश में फलों के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है, जबकि अमरूद के उत्पादन में 2रा। यहाँ पर देश का 24.25% अमरूद का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। फलों का क्षेत्र एवं उत्पादन तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से केला, आम, मीठा नींबू, पपीता, अमरूद, संतरा, आंवला आदि का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश वर्ष 17-18 में फलों का कृषि क्षेत्रफल 3.47 लाख हेक्टर एवं उत्पादन था 73.44 लाख मैट्रिक टन। सब्जी की बात करें सब्जी उत्पादन मध्य प्रदेश एक प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य है, जिसका सब्जी उत्पादन में देश में 3रा स्थान है। वर्ष 2015-16 में देश में मध्य प्रदेश का टमाटर उत्पादन में प्रथम, याद रखिए टमाटर उत्पादन में प्रथम स्थान है, प्याज उत्पादन में 3रा, आलू उत्पादन में 5वां। वर्ष 2017-18 में कुल साग सब्जी का फसल क्षेत्रफल 8.48 लाख हेक्टर तथा कुल उत्पादन 168.60 लाख मैट्रिक टन हुआ। बात करते हैं फसल क्षेत्रफल हेक्टर में उत्पादन लाख टन में। ठीक, आलू की बात करें तो ये हेक्टर में कितना क्षेत्रफल में 1,36,290 और उत्पादन मैट्रिक टन 31.45। शकरकंद 5,188 हेक्टर और इसका उत्पादन हुआ 0.79 लाख मैट्रिक टन। प्याज की बात करें तो 1,50,886 इसका उत्पादन हुआ 37.01 लाख मैट्रिक टन। मटर की बात करें तो यह है 94,988 इसका उत्पादन है 9.62 लाख मैट्रिक टन।
टमाटर की बात करें तो 84,526 हेक्टर है क्षेत्रफल में, 24.19 लाख मेट्रिक टन उत्पादन। फूल गोभी 46,470 हेक्टर में 10.08 लाख मेट्रिक टन उत्पादन है। मसाला की बात करें, मध्य प्रदेश मसाला फसलों में मुख्य रूप से मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया का उत्पादन है। वर्ष 2017-18 में कुल मसालों का कृषि क्षेत्रफल 7.38 लाख हेक्टर था तथा उत्पादन 40.79 लाख मेट्रिक टन था। मध्य प्रदेश में प्रमुख मसालों का उत्पादन बात करें तो मिर्च का क्षेत्रफल है 94,415, इसका उत्पादन है 2.33 लाख मेट्रिक टन। अदरक 23,431, इसका 3.77 लाख मेट्रिक टन है। लहसुन की बात करें तो 1,86,169, इसका उत्पादन है 18.82 लाख मेट्रिक टन। धनिया का 2,79,837 हेक्टर में क्षेत्रफल है और 3.90 लाख मेट्रिक टन उत्पादन है। मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में देश में चौथा स्थान है, याद रखना। अब कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं मध्य प्रदेश से, जीके जैसे बोला जाए तो। कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, तो आपको ग्वालियर याद रखना है। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र, आपको एक शब्द याद रखना है, खरगोन। मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र, खरगोन। धान अनुसंधान केंद्र, आपको याद रखना है, बड़वानी। अंगूर अनुसंधान केंद्र, आपको याद रखना है, रतलाम। मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, आपको याद रखना है, उज्जैन। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान, आपको याद रखना है, इंदौर। सोयाबीन वायदा बाजार, आपको याद रखना है, इंदौर। एग्रो प्लास्टिक पार्क, आपको याद रखना है, अशोकनगर। मसाला पार्क, आपको याद रखना है, गुना। प्रथम तितली पार्क रायसेन में, द्वितीय तितली पार्क इंदौर में। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क नवलखा इंदौर में। रंगीन मछली केंद्र, तो आपको बता देना है, खंडवा में। रेशम मंडी होशंगाबाद में। जैव विविधता बोर्ड भोपाल में। इकोलॉजिकल पार्क भोपाल में। जूलॉजिकल पार्क भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला भोपाल में। आम अनुसंधान केंद्र रीवा में। राज्य का प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा में, ठीक है। अब बात करते हैं फूलों की खेती से संबंधित। मध्य प्रदेश में गेंदा, गुलाब, सेवंती, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस आदि फूलों की खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र एवं उत्पादन, इसका वर्ष 2017-18 में फूलों का कृषि क्षेत्र था 31,477 हेक्टर, उत्पादन था 3.87 लाख टन। कुल पुष्प उत्पादन में गेंदे का 68% और गुलाब का 9.5% योगदान था। मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले के निकट श्यामपुर में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। 16-17 जनवरी 2016 को भोपाल में अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें गुलाब की लगभग 300 प्रजातियाँ प्रदर्शित की गई थी। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान देखते हैं। ये फसल होगी, प्रतिशत होगा, स्थान हो गया। कुल दलहन, दलहन की बात करें तो 26.41% प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश भारत में। कुल खाद्यान्न की बात करें तो 12.74 द्वितीय स्थान पर है इसके साथ। कुल तिलहन की बात करें तो 20.26% प्रथम स्थान पर है तिलहन में भी।
गेहूं में 18.82 सॉरी 18.2 द्वितीय स्थान पर है, चना में 38.63 प्रथम स्थान पर है, चना में मसूर 29.4 इसमें भी प्रथम स्थान पर है, सोयाबीन 50.79 प्रतिशत प्रथम स्थान पर है, सरसों में 11.31 प्रतिशत द्वितीय स्थान पर है। तो एक बार देख लेते हैं, प्रथम स्थान पर किस में, कुल दलहन में प्रथम स्थान पर है, कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान पर है, चना में प्रथम स्थान पर है, मसूर में प्रथम स्थान पर, सोयाबीन में प्रथम स्थान पर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण कृषि संबंधित तथ्यों की बात करते हैं। कृषि अभियांत्रिकी संयंत्र भोपाल, कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय जबलपुर, प्रथम प्रदेश का प्रथम सेल रिच जैविक खाद संयंत्र भोपाल, मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर, जवाहर कृषि विश्वविद्यालय 1964 में, प्रदेश का सबसे बड़ा प्रथम जबलपुर में, राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में है, डेयरी स्टेट केंद्र परमिट जबलपुर में, कीट बनाने का संयंत्र वीना सागर, सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कटनी में, अवशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद निर्माण संयंत्र ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार अधिकतम हरदा में है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार न्यूनतम कटनी और नीमच में है, अधिक है हरदा में और कम है कटनी नीमच में, सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन 80.20 और न्यूनतम कृषि भूमि वाला जिला मंडला 22.70%। ठीक है, आगे बात करते हैं। खरगोन जिले में, याद रखना, खरगोन जिले में गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई, भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी तथा एनिमल सेरोगेसी लैब स्थित है, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर इटारसी में की गई है इसकी स्थापना। 1964-65 में भोपाल के भदभदा में केंद्रीय वीर संस्थान की स्थापना की गई थी। इस संस्थान को 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। दो अन्य संस्थान ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित किए गए। आगे बात करते हैं पशुपालन। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत की 18.7 मिलियन गायें और 10.3 मिलियन भैंसें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिए, मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या की बात करें मिलियन में, तो ये विवरण है 2012 और 2019 का। तो गोवंश 2012 में था 19.6 मिलियन और 2019 में कितना बचा, 18.7 मिलियन। भैंस की बात करें तो 8.2 मिलियन था 2012 में और 2019 में हो गया 10.3 मिलियन। घोड़े और टट्टू की बात करें तो 2012 में था 0.19 लाख, जो बढ़कर जो कम कर 0.2019 में हो गया 0.13 लाख। गधों की बात करें, गधे तो 0.15 लाख थे, अब बचे हुए 0.08 लाख। बकरी की बात करें तो 8.01 मिलियन थी और 2019 में बढ़कर हो गई 11.06 मिलियन। कुल पशुधन तो 36.3 मिलियन थे 2019 में हो गया 40.6 मिलियन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पशु स्वास्थ्य से संबंधित। विभिन्न प्रकार के संक्रमक रोगों से पशुओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वर्ष 2017-18 के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की गई। पशु चिकित्सालय 1063, पशु औषधालय 1585, चल पशु चिकित्सा इकाइयाँ 38, विरूजालय चिकित्सा केंद्र 27,
माता महामारी अनुगामी इकाई 10, माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई 7, सघन टीकाकरण इकाई इकाइयाँ 7, माता महामारी रोग समंदल 2, माता महामारी जांच चौकियाँ यह 19, पशु निरोध स्थल 1, राज्य रोग अनुसंधान शाला 1, जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएँ 34। खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई, एक हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी तथा एनिमल सैरोगेसी लैब स्थित है, ये भी देख चुके। बात करते हैं हम लोग आगे। क्षेत्रीय सीमर बैंक इंदौर एवं रीवा को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 2017-18 में मध्य प्रदेश में 14,713 टन दुग्ध का उत्पादन हुआ, जिसमें विगत वर्षों की तुलना में 9.43% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 2018-19 में देश में मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान रहा है। राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना और शिवपुर में हुआ है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, मुरैना शिवपुर में। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में 89,000 मैट्रिक टन मांस, 19,422 लाख अंडों का उत्पादन हुआ है। यहाँ देखते हैं कड़कनाथ मुर्गा। मार्च 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग दिया गया। मध्य प्रदेश में यह पश्चिमी जिला झाबुआ अलीराजपुर धार के प्रसिद्ध स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है। इसके पैर मांस चोंच तथा अंडा सभी काले रंग के होते हैं, याद रखना। मछली उत्पादन में बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में 16वां स्थान है, जो देश के कुल मछली उत्पादन में लगभग 1.6% तक का योगदान है। वर्ष 2018-19 में 12,440.19 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। वर्ष 2018-19 में समस्त स्रोतों से 105,312.70 टन मत्स्य का उत्पादन हुआ है मध्य प्रदेश में। वर्ष 2017-18 में कुल 2376 मत्स्य सहकारी समितियाँ थीं, जिनमें से 50 समितियाँ महिलाओं की हैं। अब बात करते हैं हम कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं, यही ठीक है। भारत व इजराइल के बीच हुए कृषि समझौते के तहत इजराइल शाजापुर व सीहोर जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में देश का प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। राज्य सरकार ने फरवरी 2019 से अगले 4 महीने के भीतर 1,000 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों मंदसौर, भिंड, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन मंडला में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी में राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में मंडला जिले में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर का निर्माण भोपाल व इंदौर में किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 को मध्य प्रदेश में जस्ट इन टाइम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों के खाते में आर्थिक सहायता एवं खरीद मूल्य की राशि प्रदान की जा रही है।
मध्य प्रदेश में लहसुन प्रसंस्करण इकाई की स्थापना मंदसौर में की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से 55 लाख किसानों का 50,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफ हुआ। मध्य प्रदेश में गेहूं और धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। विदेश में कृषि उत्पादन लागत एवं विपणन की बेहतर सुविधाएं संबंधी अनुशंसा करने के लिए मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का गठन किया गया। 24 से 26 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के इंदौर में गेहूं और जौ पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल और इंदौर के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की अगुवाई में संपन्न हुआ है। 23 जून 2018 को मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण राजगढ़ जिले में हुआ है। 1 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 तक राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत राज्य के छतरपुर व राजगढ़ को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश में लघु वनोपज संग्राहकों को नगद भुगतान सीमा राशि 200 रुपये कर दी गई है। संग्राहकों को फरी सेमेट एवं बोनस की राशि 2,000 रुपये से अधिक राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में ग्रीन स्नातक प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में संतरा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना छिंदवाड़ा में की गया। मध्य प्रदेश में आर्किड पार्क की स्थापना छिंदवाड़ा में की जा रही है। मध्य प्रदेश के जिले बैतूल में बड़े पैमाने पर खेतों में इस वर्ष काजू के बगीचे लगाए जाएंगे। तो ये था कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। अब बात करेंगे अगले में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन 2019 दिसंबर तक अपडेट जो हुआ है उसे भी देखेंगे इसमें। ठीक।